Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू। आज इस एपिसोड में आपसे बात करने वाला हूँ भारत मूवी के बारे में। तो पहले मैं आपको टॉपिक बता दूँ कि आज मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। कैन भारत बीट द ओपनिंग ऑफ एवेंजर्स एंड गेम? तो जैसा आप सभी को पता है कि जो भारत मूवी है वो सुपरस्टार सलमान खान की मूवी है, और जो एवेंजर्स एंड गेम मूवी थी वो मार्वल यानी हॉलीवुड की मूवी थी जिसने इंडिया में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इंडिया में नहीं, मूवी ने चाइना में, यूएसए में, आप कहें वर्ल्ड वाइड में मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मूवी सेकंड पोजीशन पे अभी है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के मामले में, फर्स्ट पे अवतार है, और बताया जा रहा है कि मूवी आने वाले 2 से 3 दिनों में अवतार मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनने वाली है। तो अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। मैं आप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मूवी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको भारत मूवी के साथ साथ इंडिया में 2019 में जो मूवी रिलीज़ हुई है, जितनी भी मूवी रिलीज़ हुई है, उन सभी के बारे में आपको बताऊँगा और कंपेरिजन करके बताऊँगा कि भारत मूवी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि भारत मूवी एक एडॉप्टेशन है कोरियन मूवी की, जिसका ओरिजिनल जो नेम है मूवी का वो था ऑड टू माई फादर। ये एक इमोशनल मूवी है, साथ ही साथ लिटिल बिट इसमें कॉमेडी होने वाली है, लिटिल बिट इस मूवी में जो थी वो कॉमेडी थी, और इमोशन जो था इस मूवी में वो हाई लेवल पे था, और इसी वजह से ये मूवी जो है कोरिया में काफ़ी पसंद की गई थी। और इसकी जो ऑफिशियल अडोप्टेशन है वो अब बॉलीवुड में बन रही है, जिसका नाम है भारत, जो जिसमें लीडिंग रोल में सलमान खान आपको दिखाई देंगे, साथ ही साथ कैटरीना कैफ आपको दिखाई देंगी, सुनील ग्रोवर आपको दिखाई देंगे। और जैसा आपको पता है कि सुनील ग्रोवर जो हैं वो कॉमेडी पोर्शन के लिए ही लिए गए हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल पार्ट है इस मूवी का ऑड टू माई फादर उसमें भी काफ़ी आपको कॉमेडी दिखाई देगी अगर आप उसे देखेंगे। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं मूवी के रिकॉर्ड के बारे में कि मूवी किस तरह से रिकॉर्ड बना सकती है अपने फर्स्ट डे में, क्योंकि मूवी अपने पहले दिन में जो अभी तक रिकॉर्ड है वो एंड गेम के नाम पे है। इसने अपने फर्स्ट डे पे 52 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था, नॉन हॉलीडे था। और जो सेकंड जो रिकॉर्ड है वो शायद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम है, जिसने अराउंड 48 या 47 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था अपने फर्स्ट डे में। तो अब बात यह है कि क्या भारत मूवी इन दोनों मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं फर्स्ट डे के मामले में। और ये भी रिकॉर्ड देखा जाना है कि क्या ये मूवी हिंदी मार्केट में 5000 स्क्रीन काउंट ले सकती है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो हिंदी में रिकॉर्ड है वो शायद थग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम पे है, जिसने अराउंड 4700 यानी 4700 से ऊपर की स्क्रीन ली थी, स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी। और अगर ये मूवी भारत मूवी 5000 स्क्रीन पर रिलीज़ हो जाती है तो ये भी एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा भारत मूवी के नाम। लेकिन कलेक्शन के लिए जितना ज़्यादा स्क्रीन काउंट होना होगा उतना ज़्यादा कलेक्शन अच्छा होगा वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी मूवी रिलीज़ हुई थी एवेंजर्स एंड गेम, जिसे सिर्फ, मैं आपको स्क्रीन काउंट बता दूँ कि इस मूवी को जो स्क्रीन काउंट मिले थे वो सिर्फ मिले थे 2800 के आसपास इस मूवी को स्क्रीन काउंट मिले थे, 2800 के आसपास मूवी को स्क्रीन काउंट मिले थे। फिर भी जो मूवी है वो एक धमाकेदार रही थी अपने बॉक्स ऑफिस में। मूवी ने फर्स्ट डे में ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया था। ऑफ कोर्स इस मूवी में आपको हिंदी का कलेक्शन, तेलुगु का कलेक्शन, तमिल का कलेक्शन, ये तीनों का कलेक्शन मिला करके ये कलेक्शन है, क्योंकि ये मूवी तमिल और तेलुगु में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था हिंदी के साथ साथ। और इस मूवी का मुंबई, दिल्ली, यूपी, पंजाब सर्किट में खासकर ज़्यादा कलेक्शन रहा था। और जो भारत मूवी है उसमें आपको पता है स्टार कास्ट ज़बरदस्त है, एक पहले से उसमें सुपरस्टार सलमान खान है जिनके लिए लोग पागल हैं, साथ साथ उसमें कैटरीना कैफ आपको दिखाई देंगी,
और कॉमेडी के सुपरस्टार आपको उसमें सुनील ग्रोवर भी दिखाई देंगे, जिनकी अपनी एक ऑडियंस है, कैटरीना कैफ की अपनी एक ऑडियंस है। तो जब ये तीनों इकट्ठे आएंगे तो मूवी काफ़ी, मूवी का जो बज़ होता है कि जो पहले रिलीज़ होने से पहले जो बज़ बनता है मूवी के लिए कि ऑडियंस कितनी एक्साइटेड है मूवी के लिए, वो काफ़ी बढ़ने वाला है। अब जैसा आपको पता है कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, इस मूवी में आपको थोड़ा सर्कस टाइप भी दिखाई देगा, आपको सलमान खान का एक बूढ़ा लुक भी दिखाई देगा, सलमान खान का एक यंग लुक भी दिखाई देगा। तो लोग उनके जो लुक्स, किस किस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया बॉडी को, वो देखने के लिए भी लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे। साथ साथ बात की जाए कैटरीना कैफ की, तो कैटरीना कैफ इस मूवी में उनकी जो हिंदी है वो इम्प्रूव्ड दिखाई दे रही है। उनकी हिंदी, जब वो हिंदी में डायलॉग बोल रही है तो लगता है कि वही डायलॉग बोला जिसे हिंदी आती है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दिया पीछे कि भाई इसको बोल, उसको मतलब नहीं पता उसका डायलॉग का मतलब क्या है या कुछ। तो जो हिंदी इम्प्रूव काफ़ी किया है कैटरीना कैफ ने। और साथ साथ बात की जाए कॉमेडी की, तो आपके पास सुनील ग्रोवर है जिनकी कॉमेडी सभी जानते हैं, पूरे भारत में फेमस है। अब बात करते हैं कि ये कलेक्शन तोड़ पाएगी या नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं, मूवी को अभी तक जो पता चला है कि स्क्रीन काउंट वो अराउंड 4,000 से ऊपर ही स्क्रीन काउंट मिलेंगे। हो सकता है मूवी को 5,000 के आसपास भी स्क्रीन काउंट, 5,000 के आसपास भी स्क्रीन काउंट मिले। अगर मिलता है तो उससे उतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि स्क्रीन काउंट पर अब कलेक्शन उतना डिपेंड नहीं करता। अगर 2,800 स्क्रीन पर लगी मूवी 500 करोड़ कमा सकती है, तो 5,000 पे लगी मूवी तो 100 करोड़ कमानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये लोगों पे डिपेंड करता है कि लोगों को ट्रेलर किस तरह से पसंद आया है, लोग कितना मूवी को देखना चाहते हैं, या जो मूवी की, मूवी का डायरेक्टर है, मूवी का एक्टर है, ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मूवी की स्टोरी लाइन किस तरह से होगी, ये सभी चीज़ों को डिपेंड करके फर्स्ट शो तो मूवी का चल पड़ेगा। जो फर्स्ट शो होगा वो मूवी का चल पड़ेगा, जो सलमान खान के फ़ैन होंगे वो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन जब उनके रिव्यूज़ आएंगे फिर आपको असली मूवी का पता चलेगा, इवनिंग से कि आफ्टरनून और इवनिंग से, कि मूवी के जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप आता है कि ग्रोथ आती है, वो आपको तभी देखने को मिलता है। अब तो ज़्यादा आपको टाइम देखने को भी नहीं मिलता कि रिव्यूज़, क्योंकि रिव्यूज़ अपलोड हो जाते हैं इंटरनेट पे, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे रिव्यूज़ मिलने को, देखने को मिल जाएंगे। लोग वहाँ पे जाके रिव्यूज़ देख लेते हैं, उसी के बाद डिसाइड करते हैं कि वो मूवी देखने जाएंगे या नहीं। तो ये काफ़ी मेन फैक्टर हैं जो अब डिपेंड करते हैं मूवी के कलेक्शन में, साथ साथ किसी भी सुपरस्टार की फ़ैन बेस पे, कि अब वो फ़ैन बेस बढ़ेगा या जो फ़ैन थे वही देखने जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमने सलमान खान के केस में देखा है कि जो उनके फ़ैन हैं वो मूवी देखने जाते ही जाते हैं, चाहे मूवी अच्छी हो या बुरी हो। तो वो एडवांटेज सलमान खान की मूवी को मिलता ही मिलता है, यानी एक 150-200 करोड़ के आसपास मूवी कलेक्शन करी जाती है, चाहे वो कैसी भी मूवी हो। तो क्योंकि सलमान खान का स्टार्डम काफ़ी बड़ा है इस वक्त, इंडिया में सबसे बड़ा स्टार्डम सलमान खान का ही है। तो ये तो है कि सलमान खान की मूवी 100 करोड़ तो क्रॉस करेगी करेगी, चाहे वो कैसी भी मूवी है। लेकिन अगर मूवी अच्छी रही तो ये मूवी ज़रूर 300 करोड़ या 350 करोड़ भी क्रॉस कर पाएगी। और फर्स्ट डे में मूवी का जो कलेक्शन है वो हो सकता है कि मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि अभी मूवी को काफ़ी दिन बाकी हैं। और एक और फैक्टर जो है मूवी के कलेक्शन में जो बाधा डाल सकता है, वो है वर्ल्ड कप, और आप कहें क्रिकेट। क्योंकि जैसा आपको पता है कि इंडिया में क्रिकेट सभी से ऊपर है, लोग मूवी देखेंगे अगर उन्हें टाइम लगेगा क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट पहली चीज़ है इंडिया में कि क्रिकेट लोग देखेंगे ही देखेंगे, उसके बाद सारा काम करेंगे। तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो सकती है मूवी के लिए, अगर इंडिया में, इंडिया का मैच होता है तो लोग डेफिनेटली, लोग जो है क्रिकेट को फर्स्ट अपनी प्रेफर देंगे, फर्स्ट क्रिकेट का मैच देखने के लिए जाएंगे और अपने मोबाइल या टीवी में देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ 1 या 2 दिन का केस होने वाला है, हर रोज़ तो वर्ल्ड कप का मैच नहीं होगा, इंडिया का खासकर। तो अगर फर्स्ट
ओपनिंग डे पे सब कुछ सही रहता है तो मूवी कलेक्शन जरूर करेगी। तो आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में कि ये मूवी किस तरह से कलेक्शन करेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको और किस तरह से वीडियोस, किस तरह की वीडियोस देखनी पसंद है। आपको रिव्यूज़, मूवी के रिव्यूज़ चाहिए तो मैं मूवी के रिव्यूज़ भी आपको जरूर अपलोड करूँगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इस तरफ या इस तरफ चैनल का आइकन नज़र आएगा, आप उसे प्रेस करके उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।